हेलो चिल्ड्रेन, आई एम योर मॉरल साइंस मैम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकंड ऑफ एसे वन। ठीक है, देखो दिस आई विल टेल यू वन स्टोरी, द आंट एंड द ग्रास हॉपर। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड दिस स्टोरी विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। इस स्टोरी से हमें क्या पता चलेगा कि हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, वी ऑल नीड टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हेल्प अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हम सबको हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना। इट इज़ वेरी गुड थिंग कि वी ऑलवेज ट्राई टू डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हेल्प अस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। वी आर एबल टू अचीव अवर गोल्स। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन अचीव योर गोल? नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास देन यू शुड डू हार्ड वर्क, एंड इफ यू डोंट डू हार्ड वर्क यू कैन मेंटेन द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास? नो। सो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ लेजी पर्सन नेवर सक्सीड्स इन लाइफ। तो लेजी पर्सन होता है, ही नेवर सक्सीड इन लाइफ। क्यों? वो हार्ड वर्क नहीं करता, इसलिए वो हमेशा क्या होता है, ही गेट्स फेल्योर। देयर इज़ नो शॉर्टकट रूट टू गेन सक्सेस। हार्ड वर्क के लिए देयर इज़ नो शॉर्टकट रूल। जब हम हार्ड वर्क करेंगे तभी हमको सही से सक्सेस मिलेगी। बिना हार्ड वर्क के कोई ऐसा शॉर्टकट रूट नहीं है जिससे कि हमें जो है वो सक्सेस मिल जाए। आई कैन ऑल्सो बी गेन थ्रू हार्ड वर्क। इट कैन ऑल्सो बी गेन थ्रू हार्ड वर्क। रीड द स्टोरी टू फाइंड मोर। जब भी आपको, अगर आपको बहुत चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज़ ए वेरी गुड स्टोरी एंड वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। देयर वॉज वंस एन आंट एंड ए ग्रास हॉपर। दे लिव्ड इन ए फील्ड। इन ए फील्ड एक ग्रास हॉपर, एंड आंट मीन्स चींटी। ग्रास हॉपर क्या होता है, टिड्डा, है ना। ये आपने देखा तो दोनों कहाँ रहते थे, देवर लिव्ड इन ए फील्ड। दे यूज टू प्ले एंड टॉक। वो साथ साथ खेलते थे एंड टॉक। द वेदर दोज डेज वॉज वेरी प्लीजेंट। वेदर वॉज वेरी गुड। वन डे ग्रास हॉपर वॉज एंजॉइंग द वेदर। वन डे ग्रास हॉपर क्या था, वेदर को एंजॉय कर रहा था, आराम से वेदर, जैसा वेदर था उसको एंजॉय कर रहा था। ही वॉज सिंगिंग मेरिली टू हिमसेल्फ। जस्ट देन ही सॉ द आंट वॉकिंग बाई। वो क्या कर रहा था, ही वॉज एंजॉइंग द वेदर एंड ही वॉज सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ। वो अपने साथ अपने लिए एक गाना भी गा रहा था। ठीक है, तभी उसने क्या देखा, द आंट वॉकिंग बाई, कि आंट जो थी उसके पास से निकल करके जा रही थी। द आंट वॉज पुलिंग ग्रेन्स ऑफ वीट वन आफ्टर अनदर एंड कैरिंग देम टू हर हाउस। द ग्रास हॉपर वॉज सरप्राइज। आंट क्या कर रही थी, आंट वॉज डूइंग हर वर्क। वो शी वॉज पुलिंग ग्रेन्स ऑफ वीट। वो गेहूं के दानों को एक एक करके वन बाई वन शी वॉज कैरिंग इन टू हर हाउस। क्या कर रही थी, ग्रेन्स के दानों को एक एक करके अपने घर में ले जा रही थी। द ग्रास हॉपर वॉज सरप्राइज। ही वॉज वेरी सरप्राइज कि अरे इतना अच्छा वेदर हो रहा है और ये काम करी, मैं तो आराम से लेटा हुआ हूँ, गाना गा रहा हूँ। ही आस्ड व्हाट आर यू डूइंग। देन ही आस्ड टू आंट व्हाट आर यू डूइंग। आंट सेड विंटर्स विल बी हियर सून, आई एम कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर सीजन। तो आंट ने क्या कहा कि विंटर इज़ गोइंग टू कम, तो आई एम कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर सीजन, इसलिए मैं विंटर सीजन के लिए जो फूड कलेक्ट कर रही हूँ। ग्रास हॉपर वॉज सरप्राइज। ही सेड विंटर सीजन इज़ 5 months अवे। उसने क्या कहा, ही वॉज वेरी सरप्राइज। ही सेज कि विंटर सीजन इज़ विल कम आफ्टर 5 months। अभी से थोड़ी ना विंटर आ गया, विंटर सीजन विल कम आफ्टर 5 months। Why store food so early? Why you are collecting food so early? इतनी जल्दी से आप से अपना फूड क्यों कलेक्ट कर रही हो? Come and play with me. उसने क्या, Come and play with me. No need to collect food. अभी से कोई भी फूड जमा करने की आपको कोई नीड नहीं है। No, said the aunt. Aunt said no. It will take me time to find food. उसने क्या कहा, No, I will not play with you. I will collect the food. क्योंकि इसमें अभी फूड कलेक्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। I have to store food for the whole of winter season. I have collect food for the whole winter season. I cannot play now. She further said. उसने क्या कहा, बिल्कुल क्लियर मना करा कि मैं अभी नहीं खेलूँगी। She further said. उसने आगे कहा, Why don't you also come and start collecting food with me? You should also come with me and collect food. तो उसने क्या कहा, Grasshopper, Oh no, replied the grasshopper, Not now. ग्रास हॉपर ने कहा, अरे भैया मैं अभी नहीं करूँगा जमा फूड, अभी तो बहुत टाइम है विंटर का।
और ये क्या हो, दिस इज़ द हैबिट ऑफ, क्या थी ये, लेजीनेस ऑफ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर की हैबिट ये क्या थी, लेजीनेस, आलसी बने की जो आदत थी, इसीलिए उसने क्या कहा, नो नो आई विल नॉट कम विद यू, आई एम एन्जॉइंग दिस वेदर, एट दिस टाइम आई एम एन्जॉइंग द वेदर, मे बी सम अदर डे, किसी और दिन जमा कर लूँगा, है ना, मैं टुडे आई एम नॉट रेडी टू कलेक्ट द फूड। द ग्रास हॉपर स्टार्टेड सिंगिंग अगेन वाइल द आंट स्टार्टेड डूइंग हर वर्क। ग्रास हॉपर अगेन स्टार्टेड सिंगिंग एंड द आंट गो फॉर डूइंग हर वर्क कलेक्टिंग द फूड। सून द वेदर चेंज्ड, सून शीघ्र वेदर जो क्या हुआ, चेंज हो गया। इट बिकेम वेरी कोल्ड, वेदर वॉज वेरी कोल्ड, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गो आउट ऑफ द हाउस टू फाइंड फूड, और इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू गो आउट ऑफ द हाउस, काहे के लिए, ड्यू टू द कोल्ड वेदर, इतनी सर्दी हो गई कि उसमें बाहर जा कर के निकल करके अपना फूड कलेक्ट करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। ना ग्रास हॉपर वॉज इन ट्रबल, ना ही वॉज इन ट्रबल, क्यों, उसके पास तो कोई, उसने कोई अपना खाना जमा नहीं करा था, तो वो खाता क्या है ना, तो ही वॉज, नाओ ही वॉज इन ट्रबल, ही हैड नथिंग टू ईट, द ग्रास हॉपर हैड नथिंग टू ईट, ही वॉज डाइंग ऑफ हंगर, क्या क्या उसकी कंडीशन आ गई थी कि ही वॉज डाइंग फॉर हंगर, की वो भूख से उसकी मरने की स्थिति आ गई। ही वेंट टू द आंट्स हाउस एंड रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम सम फूड, ही वेंट टू द आंट्स हाउस एंड रिक्वेस्ट टू आंट कि प्लीज़ गिव मी सम फूड, दैट्स वाई आई मे सेव माई लाइफ, उसने क्या कहा कि मुझे थोड़ा खाना दे दो जिससे कि आई मे सेव माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को बचा पाऊँ। द आंट गेव हिम सम फूड, आंट ने क्या करा, उसको गेव हिम सम फूड। ग्रास हॉपर वॉज फीलिंग बैड दैट ही डिड नॉट लिसन टू द आंट, नाउ ही वॉज फीलिंग बैड, अब ग्रास हॉपर को क्या लग रहा था, बुरा लग रहा था, दैट ही डिड नॉट लिसन टू द आंट की, उसने आंट की बात को नहीं सुना, नाउ ही वॉज फील गिल्टी, अब उसको ये समझ में आ रहा था कि मैं भी अगर उस समय आंट की बात को सुन लेता और मैं भी थोड़ा सा अपने लिए फूड जमा कर लेता तो आज ये नौबत नहीं आती। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, आपको किसी भी काम में सक्सेस पानी है तो हार्ड वर्क इज़ द ओनली की, हार्ड वर्क ही मेन चाबी है जो आपको सक्सेस दिला सकती है, विदाउट हार्ड वर्क इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेन द सक्सेस। अब आपको समझ में आई ना स्टोरी, ये कितनी अच्छी थी, ये हार्ड वर्क कितना ज़रूरी है, हार्ड वर्क का कोई आपका क्या नहीं, कोई शॉर्टकट रूट भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट समथिंग गुड इन योर क्लास, है ना, आप अच्छा करना चाहते हैं अपने क्लास में, आप चाहते हैं आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आए, तो विदाउट हार्ड वर्क यू कैन डू दिस, नहीं कर सकते, क्यों, अगर आप डेली डेली अपना काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके पास इतना सारा काम हो जाएगा पेंडिंग कि आप वो काम ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मैम ने आज आपको कोई चीज़ लर्न करने को दी, आपने कहा छोड़ो कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे मैम ने दूसरा काम आपको दे दिया लर्न करने के लिए, आपने कहा कोई बात नहीं हम संडे को करेंगे, तो आपके पास इतना सारा काम हो जाएगा लर्न करने के लिए कि फिर पॉसिबल ही नहीं होगा कि आप उसको अच्छे से लर्न कर पाएँ। लेकिन जो बच्चे डेली के डेली अपना वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, दे आर डूइंग हार्ड वर्क, तो उनको क्या होता है, जब तक मैम काम देती रहती हैं वो साथ साथ में उसको लर्न करते जाते हैं, तो उनका कभी भी क्या होता है, काम उनका वर्क पेंडिंग नहीं होता, और जब एग्ज़ाम के दिन आते हैं तो उनको सब कुछ लर्न होता है अच्छे से, वो फटाफट फटाफट अपना लिखते हैं और अच्छा अच्छा एग्ज़ाम में करके आते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय लर्न थोड़ा करना होता, वो तो उस समय अपना रिवाइज़ करते हैं। लेकिन जो बच्चे साथ साथ में अपना वर्क लर्न नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, जब सारे बच्चे रिवाइज़ कर रहे होते हैं तो उस समय वो लोग अपना लर्न कर रहे होते हैं ड्यू टू द लेजीनेस। आ गया समझ में, नाउ यू शुड अच्छे से, अब आपको क्या करना चाहिए, यह बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। क्लियर, नाउ दिस स्टोरी इज़ फिनिश्ड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्लियर, नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, राइट जी फॉर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रास हॉपर एंड ए फॉर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंट इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड, है ना, दीज आर गिविंग सम क्वालिटीज ऑफ आंट एंड ग्रास हॉपर, यू विल राइट जी फॉर ग्रास हॉपर एंड यू विल राइट ए फॉर आंट, लेजी आंट वॉज लेजी और ग्रास हॉपर, तो आंट वॉज नॉट लेजी, ग्रास हॉपर वॉज लेजी, तो यू विल राइट हियर जी, कौन था लेजी, ग्रास हॉपर, हार्ड वर्किंग कौन था, आंट वॉज हार्ड वर्किंग, तो यू विल राइट हियर ए, थिंक्स अबाउट फ्यूचर, हु थिंक्स अबाउट फ्यूचर, आंट, तो यू विल ऑल्सो राइट हियर ए,
इज हैप्पी इन प्रेजेंट. हु वॉज हैप्पी इन प्रेजेंट? ग्रास हॉपर. तो यू विल राइट हियर जी. हेल्प्स अदर. हु हेल्प्स अदर? आंट. कैसे उसने हेल्प करी? आंट गेव फूड टू ग्रास हॉपर. तो ही सॉरी शी हेल्प्स द अदर्स. तो यू विल आल्सो राइट हियर ए. ए फॉर आंट. बेग्स फॉर हेल्प. हु बेग्स फॉर हेल्प? ग्रास हॉपर. तो यू विल राइट हियर जी. क्लियर? नाउ द अगेन एक्सरसाइज. सॉरी नाउ द अदर एक्सरसाइज. Phillips. The aunt was collecting food for dash winter or summer. For which season aunt was collecting food? She was collecting food for winter. So you will write here winter. Clear? Second, the grasshopper had nothing to dash. Grasshopper के पास में कुछ भी नहीं था to eat or drink. काहे के लिए उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी? ईट और ड्रिंक, खाने के लिए पीने के लिए. तो टू ईट, यू विल राइट हियर ईट. द आंट गेव हिम सम फूड. सॉरी द आंट गेव हिम सम डैश फूड और वाटर. व्हाट आंट गेव टू ग्रास हॉपर? आंट गेव फूड टू ग्रास हॉपर. तो यू विल राइट हियर फूड. क्लियर? द आंट गेव हिम सम फूड. नेक्स्ट, द वेदर वॉज वेरी डैश प्लीजेंट और हॉटी. कैसा वेदर कैसा था? तो वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट. तो यू विल राइट हियर प्लीजेंट. ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर. एन आंट एंड ग्रास हॉपर लिव्ड इन ए हाउस. आंट एंड ग्रास हॉपर लिव्ड इन ए हाउस. इट इज़ राइट और रॉन्ग? इट इज़ रॉन्ग. वेयर देवर लिव्ड? दे लिव्ड इन ए फील्ड. सो इट इज़ रॉन्ग. यू विल क्रॉस इट. एन आंट कलेक्ट द फूड फॉर विंटर्स. आंट वॉज कलेक्टिंग फूड फॉर विंटर्स. इट इज़ राइट और रॉन्ग? इट इज़ राइट. तो यू विल पुट द टिक ऑफ राइट. ठीक है? आंट जो थी वो विंटर्स के लिए खाने को कलेक्ट कर रही थी. तो इट इज़ राइट. नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड. अब आपको क्या करना है? यू विल आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर. आपको भी तो सीखना है ना कुछ चैप्टर से. आप क्या सीखेंगे कि हार्ड वर्क इज़ द मेन की टू गेट द सक्सेस. किसी भी काम को करने के लिए जब आपको सक्सेस चाहिए तो आपके लिए मेन की क्या है उसकी? हार्ड वर्क. सो डोंट बी लेजी. यू शुड बिकम हार्ड वर्किंग. क्लियर? थैंक यू.